गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी क्या बज रहे हैं 9 और आज हम जाने वाले हैं मैसूर। मैसूर क्यों जा रहे हैं? बेसिकली थोड़ा सा काम आ गया था तो इसीलिए जा रहे हैं, इसी बहाने थोड़ा सा घूम लेंगे। तो फिलहाल अभी 10 मिनट में कैब आने वाली है, तो फिलहाल रेडी होते हैं और फिर चलते हैं मैसूर। तो गाइस, फिलहाल हम निकल चुके हैं मैसूर के लिए और हम 4 लोग जा रहे हैं, आंटी, रोशन और दीदी। तो बेसिकली थोड़ा सा काम आ गया था मैसूर में, तो इसीलिए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैसूर जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया था मैसूर जाके। तो बाकी उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, तो आंटी आपको कैसा लग रहा है वापस अब मैसूर जा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद आफ्टर 4 मंथ्स जा रहे हैं। तो आप बहुत खुश हो? हाँ। रोशन? बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी? अच्छा लग रहा है आपको? फिलहाल हम हैं नेशनल हाईवे पे, नेशनल हाईवे NH275। ये बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे है और ये बहुत अमेजिंग रोड से भाई देखो। और ये एक्सप्रेस हाईवे ना थोड़े दिन पहले ही बना है और ये देखो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रोड से भाई, और मौसम भी ना बहुत प्यारा हो रहा है। बिरयानी, राइस और ये कबाब खाते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस, फिलहाल खा पी के आ गए हैं, अब चल रहे हैं मैसूर पैलेस। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैसूर पैलेस और एक्साइटेड। तो भाई, इसका एंट्रेंस ही कितना गजब का है ये देखो, और हम अंदर चल रहे हैं।
फाइनली टिकट ले लिया है, ये देखो 250 रुपीस का है 3 लोगों को, तो आप अंदर चलते हैं। भाई साहब कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है यार सच में। ये किसका टेंपल है, तो भाई हम अभी पैलेस के अंदर जा रहे हैं और इधर भाई ये देखो भाई ये गार्डन है भाई, कितना ही ज़्यादा मस्त लग रहा है ना। तो दीदी एक बात बताओ, आप तो मैसूर में ही रहते हो, तो आप मैसूर पैलेस कितनी टाइम घूमने के लिए आई हो? सेकेंड बार आई हूँ। सेकेंड बार क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई में बिजी। इतनी बिजी? आई एम टॉपर। नीचे से कि ऊपर से? तो भाई हमको पैलेस के अंदर जाने से पहले हमको अपने जो स्लीपर्स हैं वो इधर जमा करके और खाली पांव हमको अंदर जाना है। स्लीपर सबको सबमिट करके अंदर जाना है। तो गाइस ये है एंट्री और इधर से हमको अंदर जाना है पैलेस के अंदर, तो चलो। तो भाई ये कोई दुकान है, ये देखो ये मैसूर स्पेशल ड्रेसेस हैं, अगर आप याद रहे हो तो आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो। तो भाई फिलहाल हम चल रहे हैं अंदर, हमको यहाँ पर अपना बैग चेक करवाना पड़ेगा अंदर जाने से पहले, देखो। तो भाई फिलहाल अपना बैग चेक हो चुका है, अब चलते हैं अंदर। तो भाई फिलहाल हम अंदर आ चुके हैं वैसे पैलेस के, और ये देखो भाई ये कुछ स्कल्पचर्स हैं, देखो भाई। ये मैसूर पैलेस का एक स्कल्पचर है, और ये देखो। दीदी हमको गाइड कर रहे हैं, ये देखो। दीदी ये क्या है, आपको कुछ पता है क्या इसके बारे में? ये फर्स्ट बैटल ऑफ द रेकर का
स्कॉटिश बैंड। कितनी अच्छी पेंटिंग है, बहुत अच्छी पेंटिंग है भाई सच में। ये एलिफेंट हार्ट्स दीदी, और ये क्या है? ये बॉडी गार्ड भाई, ये कोई हावड़ा एलिफेंट। ये कितना पुराना है? तो भाई ये 50 साल पुराना दरवाज़ा है भाई, और देखो कितना चमचमा रहा है। ये सब रियल पेंटिंग्स है, ये देखो। बहुत बहुत साल पुरानी पेंटिंग्स है भाई। दीदी ये वाले कौन थे? ये वाले क्वीन एलेक्सेंड्रा। आज लिखो कौन? क्वीन एलेक्सेंड्रा। तो भाई ये क्वीन एलेक्सेंड्रा है। और ये किंग एडवर्ड। तो भाई ये किंग एडवर्ड है। तो भाई ये सब ये सारे बढ़िया डिजाइन के हैं। तो भाई ये सारे वुडन के बॉक्स ना बिल्कुल रियल है भाई, जो राजा हमारा जो यूज करते थे ना, ये सब वही है, सब रियल है सब। ये पता नहीं कौन सी बुक है, लेकिन ये राजा महाराजा जमाने की बुक है। तो गाइस ये कोई सिल्वर अंबारी है, मतलब क्या है इसका? बैठ के जाते हैं। अच्छा, मतलब इसमें ना राजा बैठ के जाते हैं। तो भाई ये देखो, इसमें राजा लोग सब बैठ कर जाते थे, आपने मूवीज में देखा होगा। तो गाइस ये कुछ ग्राउंड जैसा है, तो पता नहीं क्या है ये। देखो यार, पता नहीं यार ये क्या है। कमेंट अगर आपको पता होगा तो ये क्या है, प्लीज कमेंट में बताना। तो गाइस ये कोई लिफ्ट है, ये देखो पहले की लिफ्ट है। बहुत पुरानी लिफ्ट है ये, बहुत मतलब बहुत पुरानी लिफ्ट है। दे दो, मतलब आपको यहाँ पर आपके मज़ा ही आ जाएगा भाई सच में। तो कैसे लग रहा है दीदी? और ये देखो भाई, ये दरवाज़ा आपको पता है क्या है? तो दरवाजे के पीछे रॉयल फैमिली।
अच्छा हम लोग को जब इंटरनेशनल योगा डे होगा तब वो लोग आके इनॉग्रेट करके जाते हैं। अच्छा योगा डे पे खुला रहेगा? हाँ योगा डे पे खुला रहेगा लेकिन हम खुला रहेगा। अच्छा मतलब भाई जो रॉयल फैमिली से बिना वो अंदर आ सकते हैं वो भी योगा डे के दिन बाकी के दिन है ना। चलो तो भाई ये देखो ये ऊपर ना ये सारा वुडन का है ये देखो और भाई ये देखो ये मिरर ना राजा यूज करते थे ये देखो। ये ना राजा का मिरर है ये राजा लोग यूज करते थे और ये देखो भाई ये देखो सिल्वर चेयर्स चांदी की चेयर्स ये सिल्वर के चेयर्स हैं ये देखो ये सब ना राजा लोग इस पे बैठते थे देखो भाई तो भी चलते हैं आगे आजा। इतना चीख क्यों मार रही थी? आपने नहीं सुना? तो मतलब ना आप यहाँ पर आके दुखी नहीं होंगे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इतना अमेजिंग पैलेस है भाई ये तो। और इसके गेट देखो भाई ये भी पुराने गेट्स हैं। तो भाई हम जा रहे हैं दूसरी तरफ राइट साइड का फिनिश हुआ हमारा लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो आज पूरी वीडियो में दीदी ही गाइड करेंगे हमको। ओ भाई ये है असली माल भाई ये देखो भाई ये ना असली तोप्स हैं ये देखो। गोल्डन हवड़ा है ये हमारी। तो भाई इस पे ना हाँ निकलती है तो भाई राजा लोग ना इस पर बैठकर ये ना बेसिकली ये एलिफेंट्स पर रखते हैं और उसके ऊपर राजा लोग बैठकर जाते थे भाई ये देखो। और ये सब ना आपको दशहरा के टाइम लाइव मिलेगा हाँ दशहरा के टाइम पर ना। तो भाई आप पढ़ लेना। तो भाई ये देखो बहुत ही बड़ा मिरर है ये देखो। बहुत ही बड़ा मिरर है भाई देख सकते हो कितना प्यारा है ना। तो भाई ये कोई वुडन मिरर है ये देखो। तो चलो भाई बहुत ही प्यारा है चलो चलो चलते ये देखो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है भाई बाहर से बहुत सुंदर है ना। चलो भाई ये भी मिरर है रहा है ना। ये सब मार्बल है भाई इतना अच्छा डिजाइन पूरा सिंगल स्टोन से बना। तो भाई ये है राजा की ये सब स्कल्पचर देखो ये राजा का स्कल्पचर है ये आप देख सकते हो। का स्टैचू है कृष्ण राजा बैठिए कौन सा। अच्छा
एकदम रियल। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है यार सच में, ये देखो।